नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाइज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को बता दें कि तमाम बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते रहते हैं, बट आप लोगों को बता दें कि एसएससी के अंडर जहां पर दिल्ली पुलिस में दो नोटिफिकेशन आए हैं, दिल्ली पुलिस में दो नोटिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी आपको बता दें कि यहाँ पर कांस्टेबल के लिए है, कुछ हेड कांस्टेबल के लिए है। दोनों नोटिफिकेशंस का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इसमें पढ़ के बताएंगे कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। जो एलिजिबल होगा फॉर्म को अप्लाई करना, जो एलिजिबल नहीं होगा वो अगले फॉर्म का इंतजार करना। इसलिए आपको बता दें कि अगर आप जेके स्टूडेंट पॉइंट यानी कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जेके स्टूडेंट पॉइंट डीसी बॉय के नाम से है, वहाँ पर पीडीएफ अभी हम सेंड कर देंगे। और हमारा दूसरा इंस्टाग्राम पेज भी जेके स्टूडेंट पॉइंट डीसी बॉय के नाम से है, स्टोरी देख लेनी है। सबसे पहला नोटिफिकेशन की बात करें, लड़के और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल पहले नोटिफिकेशन में सिर्फ लड़के, ओनली मेल कैंडिडेट्स, यानी कि ड्राइवर की पोस्ट निकली है। इसमें ड्राइवर 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक अप्लाई कर सकता है, बाकी इसका रिटर्न अक्टूबर में होगा। 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, ध्यान सुने। उसके बाद इसका सबसे पहले कंप्यूटर पर रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। वैकेंसी की बात करें तो 1270 जनरल की हैं और टोटल 1411 पोस्टें हैं पूरे भारत के लिए। उम्र आपको बता दीजिए, यहाँ पे उम्र 21 साल से लेकर 30 साल तक उम्र मांगी गई है। उम्र आपकी 2/7/1992 है, लेकिन 1/7/2001 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए ड्राइवर, और साथ में हैबी लाइसेंस होना चाहिए। ये पहले रिटर्न होगा कंप्यूटर पर, ये भी बता रहा हूँ, उसके बाद हैबी लाइसेंस। अभी भी किसी को समझ नहीं आई है तो उसकी मिस्टेक होगी, दोबारा वीडियो देख लेना। अगला नोटिफिकेशन की बात करें, जो अगली वैकेंसी निकली है, आप लोगों को बता दें कि इसके पीडीएफ वगैरह हम डाल देंगे। फिलहाल और भी वैकेंसी निकलती रहती है, छोटे मोटे फार्म शार्म फिल करते रहना चाहिए। ये निकली है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ इन दिल्ली पुलिस में। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत के युवा इस फार्म को अप्लाई करेंगे। ये भी 8 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में ही, इसका रिटर्न भी अक्टूबर में ही होने वाला है। दोनों भर्तियाँ आई हैं। फिलहाल ड्राइवर वाली के लिए तो ज़्यादातर एलिजिबल नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार में है तो उसको आप बता सकते हैं। इसमें 573 पोस्ट है सिर्फ, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए। मेल के लिए है 573 और 284 लड़कियों के लिए है पूरे भारत के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है उम्र, तो उम्र 18 साल से लेकर 27 साल इसमें रखी गई है। 2/7/1995 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आप लोग आती हैं, तो आप लोग लड़का और लड़की इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी है, उम्र तो बड़ी है 27 साल तक। बाकी सबसे बड़ा मसला अभी क्वालिफिकेशन का आता है, बाकी हाइट वगैरह कुछ नहीं है। बाकी इसका रिटर्न होगा, सबसे पहले कंप्यूटर पर रिटर्न होगा। हाइट रिलैक्सेशन वो अलग बात है, बट क्वालिफ़िकेशन देख लें थोड़ा सा, क्वालिफ़िकेशन नीचे रहेगा थोड़ा। आपको बता दें कि जो एलिजिबल होगा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बट मुश्किल बहुत होता है इसका रिटर्न। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, साइंस और मैथ होना चाहिए, विद साइंस एंड मैथ आर सब्जेक्ट, यानी कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइड नेचर टेस्ट, इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 100 की, डिप्रेशन इन 15 मिनट्स में आपको 1000 कीज़, टेस्ट फॉर बेसिक कंप्यूटर फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग, यानी कि कंप्यूटर साथ में होना चाहिए भाई। जिसके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करना। इसलिए काफ़ी बच्चे मुझे दिल्ली पुलिस के फार्म पूछ रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पे दो फार्म लग रहे हैं, पहला फार्म जो है वो ड्राइवर का लग रहा है, ड्राइवर के लिए 12वीं पास और हैबी लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा असिस्टेंट ऑपरेटिंग वगैरह का लग रहा है, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और साथ में 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, अदरवाइज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को अभी बड़ी बड़ी नेट वाली शॉपों पे लग के निकल जाएगा कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस के फार्म लग रहे हैं, तो नेट वाले से पूछेंगे भैया फार्म लग रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे जाओ, पैसे दे जाओ, बट ये नहीं बताएंगे कि इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जहाँ पे रिटर्न होने के बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, बट उनको अपने पैसे से मतलब होता है, आपकी फ़ीस वगैरह कर देंगे तबाह। इसलिए अगर आप लोगों के पास क्वालिटी है, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, टाइपिंग की स्पीड है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप आदर वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। सिंपल 10वीं पास वैकेंसी भी आने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, उसका वीडियो हम डालने वाले हैं थोड़ी देर के बाद।